गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है नीति, है ना? हाँ, खिल के आ गए साला। हाँ, बड़ा बढ़िया लग रहा है। और ये ना जो नंदी है ना, इसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि भी क्यों लिखवाया नंदी। बढ़िया एरिया है, शांत, पीसफुल। ये भी छोका लगता है ना, बड़ा अपीलिंग सा लगता है। नहीं एग्जैक्टली भूख लगने की शुरुआत ही ना इसको देखने से हो जाती है। मिर्च तो कम ही, बट हल्की सी चटपटी करने के लिए थोड़ी सी मिर्ची जाएगी। 4x4 का सबसे अच्छा एडवांटेज मेरे लिए क्या है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि व्हीकल कहीं भी जा सकता है, कैसा भी रास्ता हो। अगर कोई चार पहिया की गाड़ी निकल सकती है तो मेरी फोर्स गुरखा भी वहाँ से ज़रूर निकल जाएगी। चाय रेडी हो गई है, हमने साइड में उतार के रख दी है, ढक दी है। जब पराठे बन जाएंगे ना तो साथ में इसको गर्म कर लेंगे उसी समय। तो ये तो टेविश का बन रहा होगा। हाँ, फर्स्ट तो सर्विंग टेविश की होती है ना, एज यूजुअल। सुबह कई धूप निकल आई है और काफ़ी अच्छी लग रही है पहाड़ों के अंदर धूप। छोटे छोटे पप्पी खेल रहे हैं यहाँ पे पास में, तो टेविश के पास आ गए। मॉर्निंग में हम यूज़ कर रहे हैं छोटा ब्यूटेन गैस सिलेंडर, बड़े वाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चाय बनानी है। आगे बनाएंगे कहीं ब्रेकफास्ट। क्या कर रहे हो जनाब? मैं चोकोस खिलाऊंगा। ये छोटे छोटे जो पपीज हैं वो भाग रहे हैं, पकड़ लें उनको फटाफट। इनको पता ही नहीं चल रहा भाई तेरे खाने का। वो खा गया भाई अल्टीमेटली। वो एक ने तो करी शुरुआत, अरे एक ने तो खा लिया, एक रह गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है खाने का। तो जी जर्नी शुरू कर दी हमने आज की, और आज आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही अलग सी डेस्टिनेशन पे। मेरे को डाउट है कि कभी आपने शायद ही सुनी हो, इतनी ऑफ बीट सी आइसोलेटेड सी जगह है। और वहीं पे ब्रंच वगैरह अगर अच्छी जगह मिली तो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। और जो रात का एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। देखिए सेल्फ कैंपिंग के अंदर क्या है, और जब आप साथ में सेल्फ कुकिंग भी करते हैं तो बड़ा इंजॉयफुल रहता है। एग्जैक्टली जहाँ आपका मन है आप रुक सकते हैं, नींद आ रही है जैसे भी है, और जो आपका मन है खाने का वो आप बना के खा सकते हैं। तो इन बहुत केसेस मतलब आपको कम्फर्टेबल रहता है। तो काफ़ी इंजॉयफुल रहा भाई कल रात का डिनर जो था, और अच्छा बना था। फिलहाल चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी, स्टे ट्यून्ड। हमने मेन रोड से डाइवर्जन ले लिया है, और देखिए थोड़ा अलग थलग सा है ये रास्ता। उतना क्राउडेड नहीं है जितना शिमला वाला हाईवे है ना। और अभी आपको जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे, जर्नी कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे बेहतरीन नज़ारे। रास्ता काफ़ी आइसोलेटेड सा है और नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। अगर आप शांति पसंद करते हैं तो ये रास्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है। सामने मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत अच्छा ना हनुमान जी की कोई मंदिर होगा, टेम्पल होगा, उसके ऊपर मूर्ति स्थापित की हुई है, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। ये देखिए खूबसूरत दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो लोकल्स हैं ना, एचपी नंबर, नहीं तो उसके अलावा चल रही है हमारी नंदी। बढ़िया एरिया है, शांत, पीसफुल। तो जी जिस डेस्टिनेशन पे मैं आपको लेके जाने वाला था वो यहाँ से लगभग हाफ एंड आवर की दूरी पे रहेगी, अप्रोक्स 17-18 किलोमीटर है। तो काफ़ी सुंदर सी जगह देखी है मैं, और आपको मैं जिस तरह दिखा ही रहा था कि काफ़ी पीसफुल सा एरिया है। तो भाई ब्रेकफास्ट के लिए या ब्रंच लगा लीजिए इसको, इसके लिए मेरे को ये परफेक्ट जगह लग रही है। तो पहले ब्रंच वगैरह करते हैं यहाँ पे और फिर कंटिन्यू करेंगे जर्नी। गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है नीति, है ना? हाँ, खिल के आ गए साला। हाँ, बड़ा बढ़िया लग रहा है। और ये ना जो नंदी है ना, इसका मैं अभी आपको बताऊँगा कि भाई क्यों लिखवाया नंदी। और यहाँ पर हमने भी अपना यूट्यूब चैनल का लगवा लिया, और इधर लगवा लिया हमने अपने इंस्टाग्राम का। दो और लगवाए हमने स्टिकर ऐसे ही साइड में जो पहले नहीं थे, और जो पीछे वाला स्टिकर है इसको थोड़ा सा अपडेट करवा लिया है। इसको इसीलिए अपडेट कराया है कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। पहले थोड़ा दिखता नहीं था दूर से, अभी दूर से बड़े अच्छे से पढ़ा जाता है। यूट्यूब के लिए भाई काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो ऑप्शन हो सब्सक्राइबर की, व्यू की, वो भी गेन करनी पड़ती है। बट वो है कि भाई मैं क्लिक बेट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं करता। तो बस ये है कि जो जेन्युइन जो चीज़ है ना, उससे अगर कोई व्यू या कमेंट्स या सब्सक्राइबर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी अदर मीन से नहीं। और जो नंदी वाला आपको बता रहा था ना, वो नंदी का आपको बताता हूँ। जब हम लद्दाख गए थे तो गुरखा ने कई गाड़ियों को टो करके बाहर निकाला था। एक तो फैमिली बेचारी बिल्कुल वाटर क्रॉसिंग के बीच में ही फंस गई थी। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो 2-3 बार जब रेस्क्यू किया तो हमारे साथ दिल्ली के कुछ दोस्त मिल गए थे रास्ते में ही, बल्कि दोस्ती रास्ते में ही थी, वैसे अनजान ही मिले थे हम। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वो, तो उन्होंने इस गाड़ी का नाम रखा था नंदी, कि जी हर जो गाड़ी मुसीबत में होती है उसको बाहर निकाल के ले आती है। तो फिर क्या था जी, जब मैं स्टिकर लगा रहा था मुझे मौका लगा, मैंने कहा भाई ये काम भी कर ही देते हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं अभी कि ब्रंच का आज मेनू क्या है, क्या सोच रहे हैं बनाने के लिए। अनलोडिंग शुरू हो गई है। एक एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा ये बना हुआ है जो रोड साइड में वैसे जनरली होता है, तो ये इसका भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे हमें टेबल तो निकालना ही पड़ेगा जी, टेबल निकालना ही पड़ेगा। एक बार आपको आसपास की जगह का ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसे सेटअप किया है, मानसून सीजन में ज़रूर यहाँ पे एक झरना सा बन जाता होगा। हाँ जी, तो सेटअप रेडी। यस, सेटअप रेडी। तो जी क्या है आज हमारा ब्रंच में? ब्रंच में जो हमने कल रात को दाल खाई थी, एक्स्ट्रा बनाई थी हमने एक्चुअली, उसको बचाया है और अब हम इसे आटे में गूंद के इसके हम बनाएंगे पराठे। ओके, टेवी स्टडी कर रहा है भाई, साथ साथ अपनी बच्चों की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। हेलो, इज इट ओके विद दाल पराठा? हाँ जी आपा, बिल्कुल अच्छा लगता है मेरे को। तो ये पता नहीं इस बार नीति अजीब सी टोकरी और कुछ अखबार ले आई है इसमें। ये अखबारें नहीं है, ये जो भी हम लोग की वेजिटेबल्स है ना, उनको हम लोगों ने इसमें रैप किया है। अच्छा, इसमें ऐसे। अच्छा, तो ये होगी एरिएशन के लिए, ये भी आवाज़ आती जाती रहे और अखबार जो है वो इसकी थोड़ी सी बचा के रखेगा। हाँ, इसको सेफ करके रखेगी, खराब नहीं होगा जल्दी से। और ये सारी पैकिंग की है टेविश ने, इसलिए मुझे भी देखना पड़ रहा है कि इसमें क्या है। देखो टेविश ने कितने अच्छे तरीके से इसमें मिर्ची रखी हैं, साफ करके डंडियाँ वगैरह तोड़ के। ये सारी मिर्च टेविश खाएगा। हाँ, और टेविश अपने पापा का फेवरेट धनिया भी लाया है। हाँ धनिया, और देख धनिया के नाम से तो वो भी गुस्सा कर रहा है। देखो उसका चेहरा कितना गुस्से में आ गया। धनिया कौन खाता है। चलो जी, हम भी अपने बैठने का इंतज़ाम कर लेते हैं टेबल के सामने ही। बड़ी हैंडी सी चीज़ है वैसे बैठने के लिए। थोड़ी सी हम प्याज टमाटर की चटनी ना बना लें। हाँ, वैसे तो बढ़िया रहेगी, पराठे का तो बढ़िया लगेगा ना, है ना। हाँ। और मेरे को तो वही साथ में चाहिए कि चाय भी। हाँ, वो तो आपकी फिक्स है ही। तो कैसे बनाओगे चटनी? कुंडी सोटे में या वैसे? नहीं, हम जो पूजा ने हमें सिखाई थी नोडी वाले रेस्ट हाउस वाली, प्याज टमाटर की। अच्छा, प्याज टमाटर वाली बनती है। ओके ओके, बढ़िया लगेगी पराठे के साथ। हाँ, अच्छा लगेगा। देखो नीति कितनी शांति है यहाँ पे ना, मतलब प्यारा लग रहा है। हाँ, बहुत अलग सी जगह है। चीड़ के पेड़ है, सूरज की रोशनी है। सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ ताकि वो रखा हुआ सॉफ्ट हो जाए, उसके साथ साथ फिर हम चटनी का तड़का लगा लेंगे और फिर पराठे बनाना शुरू कर देंगे। सही है, सही है। हाँ, प्याज धनिया कटना हो गया शुरू, छोटा छोटा। इसके अंदर मिलाओगे क्या पराठे के अंदर? हाँ, ये जो हमने दाल है ना जिसमें आटा गूंदेंगे, हाँ, उसी के अंदर हम ये सब चीज़ों को मिक्स करके गूंद लेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक और मिर्च भी। मिर्च तो कम ही रखना थोड़ी। हाँ, मिर्च तो कम ही, बट हल्की सी चटपटी करने के लिए थोड़ी सी मिर्ची जाएगी, थोड़ा सा नमक, धनिया। जब तक आटा गूंद रहा है ना, हमें इसके ऊपर चाय रख देंगे ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए। और टेविश निकाल रहा है चाय के बर्तन। तू ही बनाएगा क्या चाय आज? हाँ जी, चलो आज तू ही बना कर। 1 गिलास, 3 गिलास बनाना है बेटा। और ये 3rd 1। आटा गूंद के तैयार हो गया। हिमाचल की एक ख़ास बात है, आप कहीं भी आप थोड़ा रुकेंगे ना, कोई ट्रैक पे जाएंगे, ऐसे जो डॉग है वो आपको आके बैठ जाएगा पास में, साथ चलेगा सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। टेविश ढूंढ रहा है अदरक, अदरक वाली चाय पिए जाएगी आज। उल्टा करके उठा। और अब हम मैं शुरू करती हूँ चटनी वाला काम, ठीक है? हाँ, चटनी। चीनी बेटा थोड़ी हल्की रखना। ओके आपको। बस चाय रेडी हो गई है, हमने साइड में उतार के रख दिया है, ढक दिया है। जब पराठे बन जाएंगे ना तो साथ में इसको गर्म कर लेंगे। उसी समय थोड़ा सा तेल, ये भी छोका लगता है ना, बड़ा अपीलिंग सा लगता है। नहीं एग्जैक्टली भूख लगने की शुरुआत ही ना इसको देखने से हो जाती है। वो दूर आंटी जी एक घास लेके आ रही है। भाई कितना सारा पशु रखना कौन सा आसान है, तो टफ जॉब है। छोटा है ना तो आज जल्दी लेता है, कैच करता है ना, जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है। अभी आपकी मैंने सिम पे रखा हुआ है, बिल्कुल लोवेस्ट पे। वो बर्नर बड़ा है और ये पतीला जो है वो छोटा है। इसका वजह से फायदा है, जल्दी ये तड़का लग जाए ना, इसीलिए तो होता है छोटा ये तड़के के लिए। ये हमारी चटनी हो गई है रेडी, रेडी लुकिंग ग्रेट। अभी हम करते हैं पराठों की तैयारी। हल्का हल्का लगाना। तो ये तो टेविश का बन रहा होगा। हाँ, फर्स्ट तो सर्विंग टेविश की होती है ना, एज यूजुअल। बंदा खुश है, टेस्टी लगा पराठा। इस स्टोर पे अच्छी बात ये रही, अब तक इसने मोबाइल नहीं देखा है ना। यस, बड़ी वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। बेटा ये देखें, नेचर देख, वादियाँ देख, ये सारी चीज़ें देख। नहीं हाँ जी, मोबाइल में क्या रखा है। जो बड़ा हो जाएगा ना तो ये मोबाइल ही जान छुटाना मुश्किल हो जाएगा इसी से ही। जैसे हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो कोशिश करते हैं साइलेंट हो जाए फ़ोन, या कोई बेल ना बजे। कोई बेल बजते ही टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो जी ये मज़ा है पहाड़ की वादियों के अंदर बैठ के। आप जहाँ मन करे वहाँ पे खाना बना के खा सकते हैं। बड़ा मेरे को तो इंजॉयफुल लगता है ये, रादर देन कहीं होटल पर रुकते हैं और वहाँ की प्रिपरेशन का भी नहीं पता, क्या चीज़ डाली है वो भी नहीं पता। तो सब चीज़ कुल मिला के अगर एग्रीगेट करें मार्क्स को तो 10 आउट ऑफ 10 है। इफ़ यू आर सेल्फ कुकिंग एंड सेल्फ कैंपिंग। कैंपिंग डिपेंड करता है आपके मेंटल सेटअप के ऊपर कि आप कंफर्टेबल रह पाते हैं नहीं रह पाते। चाय भी हमने गर्म कर ली है जो रखी थी ना साइड में, तो बस साथ में पराठे, साथ में चाय और ये ब्यूटीफुल सा मौसम। तो जी आपकी रोटी पराठी। हाँ हाँ, खाएंगे आप? बेहतरीन लग रहा है। क्या बात है, मजा आ गया। सबको खिलाने के बाद अब है नीति की बारी। खुद का बनाया हुआ कैसा लगा? बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था आप लोग शायद वैसे ही कह रहे हैं मेरे को मनोबल देने के लिए, बस सच में बहुत अल्टीमेट बना खाना। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मज़ा आया। और चटनी ने तो रंग लगा दिया। तो जी डोगी ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, तो एक रोटी भी हमने इसके लिए भी बनाई है। रोटी भी क्या, पराठा। पहले वेट कर बेटा। आराम आराम से खाएगा। देखा बेटा, वो नहीं है इसके अंदर के एकदम से चिना झपटी करके खाना है ना। ऐसा ही हो। पहाड़ी रोग है ना, शांत है, चित शांत है इसका। हाँ जी, आपको भी चाहिए, अगर उसको चाहिए होगा तो आ जाएगा बेटा। ऊपर एक गायें भी आ रही है। अभी सारे पशु पक्षी आ गए हैं हमारे पास। भाई पहले आ जाता तो एक तरले भी अलग से बना देते, बट अब हमने वाइंड अप कर दिया। शेर तो मिला है तुम्हें, आधा आधा मिला। सब्र कितना है देखो, दोनों में झगड़ा नहीं हुआ खाने को लेके। ये भी आराम से खाया इसने बैठ के, और वो भी, उसको भी वो नहीं है कि यहाँ भाई कोई आफड़ ताफड़ हो। दोनों भाई भाई हैं, कालू और सफ़ेद। तो जी आल पैकिंग डन हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत है वो हो रहा है, कंटिन्यूशन में है। देखिए आप कहीं घूमने आते हैं ना, तो सबसे पहला आदमी का मेन एम क्या होता है घूमने का, कि ही शुड इन्जॉय। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 4x4 व्हीकल है तो हमेशा ही मैं ऑफ रोड करता रहूं या स्नो ड्राइव करता रहूं। 4x4 का सबसे अच्छा एडवांटेज मेरे लिए क्या है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि व्हीकल कहीं भी जा सकता है, कैसा भी रास्ता हो। अगर कोई 4 पहिया की गाड़ी निकल सकती है तो मेरी फोर्स गुरखा भी वहाँ से ज़रूर निकल जाएगी। तो इतना कॉन्फिडेंस बहुत है। और जो ये इन्जॉय है ना, ये टूर का जो मज़ा है, ये बस यही है कि इसी कॉन्फिडेंस की वजह से बिना कुछ पता किए कि भाई रास्ता कैसा है, जगह कैसी है, हम चल पड़ते हैं। तो वही अभी के एक जो टूर है, इट शुड बी इन्जॉयफुल। और कुछ भी एक्टिविटी आप उसमें करो जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपका मन लगता है, आपको करना अच्छा लगता है, तो वही आपको इन्जॉय देगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग और देखते हैं जहाँ पर हम आज जा रहे हैं वो जगह कैसी है, और आपके साथ शेयर करता हूँ।